पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी, ताकि अगर इस मंथ मेरा कुछ प्लान होता है ना, ये 2-3 दिनों तो हो गया हमारे, और देखते हैं जैसे इम्प्रूव कर पाऊंगा फिर मैं मोटो ब्लॉगिंग और आपको पास करने के बाद ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है यहाँ। चलिए इस साइड से जगह मिलेगी हमें। तो स्वागत है आप सभी का रोड ट्रिप विद अनेश के 1x9 व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ मैं राइड पे निकला हूँ, और ये राइड हमारी कुछ जरूरी काम नहीं है, छोटी मोटी राइड होने वाली हमारी ये, क्योंकि मुझे गाड़ी के आज चेतक जो हमारा उसके आज का कुछ काम है जलगांव में, तो उसके लिए मैं निकला हूँ। अभी टाइम हुआ है, 5 बज चुके हैं। आई नो कि IT ऑफिस बंद हो चुका होगा, लेकिन हमारे वहाँ पे एक दोस्त है, वो हमें काम करके देने वाले, तो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है मुझे जलगांव। तो एक पार्सल आया है हमारे यहाँ पे, स्वप्निल ने राइडिंग शूज लिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो जाके। तो देखिए ये आए हैं शूज पार्सल राइडा के। तो ये है शूज मंगाए हुए, ये मैंने मेरे लिए भी मंगाया है, ये स्वप्निल का हमारे राइडर रॉक्स जो है ना उनके 11 नंबर शूज़ है, काफ़ी बढ़िया मैंने पहन के देखे, लेकिन मुझे 10 नंबर ही लगेंगे तो वो ऑर्डर कर दिया मैंने। तो ये भी देना था उन्हें, तो अभी मेरा भी काम हो जाएगा जलगांव में, तो चलिए निकलते हैं अभी चेतक पे सीधा। सो आफ्टर 1 मंथ हम चला गए चेतक, फिर से राइडिंग गेटअप में आ चुका हूँ, मैं फुल सेटअप में आ चुका हूँ, सिर्फ ग्लव्स नहीं पहने आज। जैसे कि मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नॉर्मल से राइड होने वाली है हमारी जलगांव के लिए, और लेह लद्दाख की काफ़ी बढ़िया सी तैयारी चल रही है हमारी, उसके बातचीत करते हैं लेह लद्दाख की क्या क्या प्लानिंग होने वाली है हमारी। उससे पहले फ्यूल अप कर लेते हैं। आज का टेम्परेचर काफ़ी ज़बरदस्त आया, जब मैं दोपहर में निकला था ना बाहर पुलिस स्टेशन का, उसका काम कर रहा था मेरा चेतक की ना RC बुक जो है वो गुम हो चुकी है, और हम जाने वाले लद्दाख, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने सोचा कि डुप्लीकेट RC निकाल लूँ। तो उसके चक्कर में घूम रहा था 2-3 दिनों से, और जलगांव में हमारे दोस्त हैं उनसे मुलाकात हो गया हमारी, जो हमारा ये काम आसानी से कर देने वाले हैं। तो पुलिस स्टेशन हो गए घूम के, हो गया वहाँ पे जाके आ गया मैं, जो डॉक्यूमेंट्स लेने थे पुलिस स्टेशन से वो ले लिए मैंने। तो धूप इतनी थी ना आज, आज का टेम्परेचर था यार 43°C, काफ़ी ज़बरदस्त धूप थी यार आज, मतलब ये 2 दिनों से काफ़ी ज़बरदस्त हो गया है। आगे भी जाना है भुसावल साइड बोधवण, क्योंकि वहाँ पे है मेरे दोस्त की शादी गिरीश खोड़ के, तो वो भी अटेंड करनी थी मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि यार चलिए, मोटो ब्लॉग इतने दिनों से किया नहीं है, आपको भी दिखाना था मोटो ब्लॉग सेटअप कैसा है क्या है। और जो नए सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हमें, जैसे कि अमल ने का गत हो गया, ये 2-3 व्लॉग हमारे अच्छे से चल गए और सब्सक्राइबर भी अच्छे से गेन हो गए अभी, तो आई होप आपको मेरा मोटो ब्लॉगिंग भी अच्छा लगेगा, जैसे मैंने वो ब्लॉगिंग किया था ये मोटो ब्लॉगिंग, और हिंदी में स्पेशली, तो जितना सपोर्ट उनको किया ना इसे भी उतना ही कीजिए यार। तो आप देख सकते हो राइट साइड में पूरी तरह से यात्रा भरी पड़ी है, तो इसका भी एक वीडियो बनाना बाकी है, मतलब ये जितने भी गाइड्स हैं ना यहाँ पे इनका एक शूट बाकी है मेरा। काफ़ी लोगों ने कहा कि यार आपने रथ का वीडियो बनाया, पालकी का वीडियो बनाया, लेकिन मेले का नहीं किया, तो वो भी आने वाला है जल्द से जल्द, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त थे जो बाहर गए, वो जैसे ही आते हैं हम वो भी शूट कर लेंगे। उससे पहले मैं एक जानना चाहूँगा आपसे कि आपको मेरे चैनल पर क्या देखना पसंद है, जैसे कि अभी नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं काफ़ी सारे, तो आपको मेरे चैनल पे क्या देखने में मज़ा आने वाला है, मतलब जैसे कि लाइफस्टाइल व्लॉगिंग हो गई, लॉगिंग हो गई या मोटो व्लॉगिंग हो गई, तो आप वो मुझे एक बार बता दीजिए। तो उस तरह से आप मुझे क्लियर कर दीजिए, चैनल मोटो व्लॉगिंग चैनल है, तो आई होप आप मुझे मोटो व्लॉगिंग के लिए सपोर्ट करोगे। और जैसे कि आपको पता नहीं होगा, अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूँ कि पूरे खानदेश में से स्कूटी पर लद्दाख राइड करने वाला हूँ, मैं सबसे पहला राइडर होने वाला हूँ, ये हिस्ट्री क्रिएट करनी है भाई हमें, तो आपका सपोर्ट चाहिए मुझे बस, आप अगर सपोर्ट करोगे ना तो ये हिस्ट्री, ऐसी बहुत सी हिस्ट्री हम क्रिएट करेंगे खानदेश में से। मैं जितना मुझे मालूम है और जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली कि स्कूटी राइडर खानदेश में मैं पहला हूँ जो लद्दाख राइड करने वाला हूँ मैं अभी रिसेंटली, जैसे कि मैंने अपडेट्स देते जा रहा हूँ मैं लद्दाख के मेरे, और वो अपडेट्स हमेशा मेरे इंस्टा पर भी आने वाले हैं, तो इंस्टा पे भी जाकर फॉलो कर लीजिए, ये आगे मेरी इंस्टा ID है। सोनी ट्रैवल्स और KV ट्रैकर्स मिलके एक बाइक राइड
ऑर्गेनाइज की है लद्दाख, लेह लद्दाख की 18 दिन की होने वाली है। आपको डिटेल अगर जाननी होगी तो यहाँ पे आ गया, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके जान सकते हो। मैंने मेरे बाकी सीरीज देखी नहीं होगी, जैसे कि हमारी खानदेश राइड होगी, 5 ज्योतिर्लिंग राइड हो गई, तो प्लेलिस्ट भी है हमारे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। तो आप बताइए आपको मोटो ब्लॉगिंग कैसी लग रही मेरे यार, वो मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपको मोटो ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आ रहा है हमारे, और क्या क्या नया मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर पाऊँ वो भी मुझे आइडिया दीजिए एक एक करके, तो अच्छे से इम्प्रूव कर पाऊँगा फिर मैं मोटो ब्लॉगिंग, और आपको भी मज़ा आएगा वैसा कुछ कंटेंट दे पाऊँगा मैं। तो से बाइकर्स है जिनका सपना होता है लेह लद्दाख, तो उसकी तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है, क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं, और मैं कैसे जाने वाला हूँ, क्या क्या प्लानिंग है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जल्द से जल्द। को क्रॉस कर लिया और मैं सोचा तो आगे यार गन्ने का जूस देखते हैं रुकते पीने के लिए, क्योंकि गला सूख रहा है मेरा, तो रुकते आगे। हाँ, जो पुराने व्यूअर्स है मेरे पहले से देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे 5 ज्योतिर्लिंग वाली सीरीज देखी होगी, चेतक को मैं टॉप बॉक्स लगा था, तो मैं सोचा था यार टॉप बॉक्स लगाऊँ या सिर्फ नेम पर प्लेट लगा दूँ वहाँ पे, एक मेटल वाली लगा के उसे बैनरिंग कर देंगे कुछ, क्योंकि टॉप बॉक्स में खर्चा ज़्यादा जाएगा यार, तो वही सोच रहा था मैं काफ़ी दिनों से कि यार क्या किया जाए, अगर टॉप बॉक्स लगाना होगा ना तो मुझे चेतक को मुंबई लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा अच्छा वाला ही करना पड़ेगा। उस टाइम हमने जुगाड़ किया था कुछ, तो वो सक्सेस नहीं हुआ, ज़्यादा चला लेकिन टूट गया था बाद में, तो वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लद्दाख के वक्त। तो मैं वही सोच रहा था अगर करना है तो प्रोफेशनली करते, नहीं तो फिर नॉर्मली एक प्लेट लगा देंगे और एक्सेसरीज जो हमारी वो साइड वाली वो लगा देंगे, तो लगे जहाँ पे बैक सीट पे रख सकते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ सोच रहा था मैं। देखते हैं आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। गन्ने का जूस पी लेते पहले, तो एक ब्रेक ले लिया 5 मिनट के लिए गन्ने के जूस पीने के लिए, तो जल्दी जल्दी से जूस पीते हैं और निकलते हैं, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं। तो चलिए निकलते हैं, अभी गन्ने का जूस तो पी लिया अभी हमने, और 20 किलोमीटर बाकी है जलगांव। अच्छा हुआ अभी पी लिया मैंने, मतलब कोई दिक्कत नहीं है रास्ते में, अभी क्या गला सूख रहा था तो इसलिए पी लिया। गन्ने का जूस सबसे बेस्ट ऑप्शन है समर सीजन में। तो लीजिए हमारे राइडर रॉक्स 97 आ चुके हैं अपना पार्सल लेने, तो कैसा लगता है उन्हें पार्सल दिखाते हैं अभी। बोलिए पब्लिक, एकदम एक नंबर, पैसा वसूल है ना, पैसा वसूल है, पूरे वसूल है। अगर किसी को चाहिए होगा तो हमें डीएम कर सकते हो। राइडा का है भाई, ऐसे तैसे नहीं, राइडा का है और काफी अच्छे प्राइस में। अभी जस्ट कुणाल भाई को फोन किया था मैंने कि यार टाइम हो जाएगा मुझे जाते वक्त, तो हम ये जो गाड़ी का आरसी का काम है ये 2 दिन में करते हैं, क्योंकि कल सुबह मुझे नासिक के लिए भी निकलना है, तो वो भी एक दिक्कत हो गई यार, सुबह जल्दी नासिक के लिए निकलना है। अभी टाइम हुआ है हमारा 7:15, तो जल्द से जल्द मुझे वहाँ पे पहुँचना है शादी में, क्योंकि टाइम हो जाएगा, वहाँ से रिटर्न भी जाना है घर पे, और सुबह जल्दी जल्दी निकलना है नासिक के लिए 5 बजे। तो इतना सारा घूमना हो रहा है यार, कल शायद से मैं चेतक पे नहीं जाने वाला, दूसरी गाड़ी होने वाली, दोस्त की गाड़ी होने वाली मेरी, आपको पता ही चलेगा। नॉमिनल सी गाइड हमारी, मतलब ऐसे ही
निकला था मैं राइड करने के लिए, राइड के हिसाब से नहीं निकला था, लेकिन निकला तो अभी मैंने किलोमीटर गेस किया यार, 250 किलोमीटर की राइड होने वाली है हमारी। ऐसे एक नॉमिनल सी राइड हमारी 250 किलोमीटर की हो गई है। देखिए मतलब इतने कम टाइम में मैं 250 किलोमीटर्स घूम के आ जाऊंगा।